रात के समय एक चील पक्षीपूर्ण जंगल की तरफ आती है। अच्छा, तो पहुंच ही गई मैं पक्षीपूर्ण जंगल। अब देखो मैं इन सब पक्षियों के साथ क्या करती हूँ। ए पक्षियों, सो जाओ आज की रात आराम और सुकून से, क्योंकि कल की रात तुम्हें सुकून की नींद नसीब नहीं होगी। सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने छोटे से बच्चे मानो के साथ अपने घर में बैठी नाश्ता कर रही थी। माँ, आज का नाश्ता तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। हाँ बेटा, पेट भरकर खाओ और अगर और चाहिए हो तो मुझे बता देना। मैं अब जरा बुलबुल आंटी के घर जाऊंगी, मुझे उनसे थोड़ा काम है। जब तक तुम ये नाश्ता करो मैं लौट कर आती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है कि तभी कुछ समय में अचानक से मानो चिड़िया की छत टूटती है और उससे एक बड़ी सी डोरी मानो चिड़िया के गले में आकर लिपट जाती है, जो डोरी मानो चिड़े को अपनी तरफ खींच रही थी। दरअसल वह चील मानो चिड़े का अपहरण करने आई थी और वह उस डोरी से मानो चिड़े को बाहर खींच लेती है। मीनू, अब आकर मजे से अपने घर में रहना। वही कबूतर अपने छोटे से बच्चे के साथ अपने घर में बैठा हुआ था और उससे कुछ कह रहा था। पिंकी बेटे, मैं जाऊँ ना बाहर, मुझे भोजन जमा करने जाना है ताकि मैं घर में भोजन ला सकूं। नहीं पापा, आप मत जाओ, आपको तो पता है मुझे अकेले घर में कितना डर लगता है, आप नहीं जाओ। बेटा, मुझे जाना पड़ेगा, मैं वरना तुम्हारे लिए भोजन कैसे लेकर आऊँगा। ठीक है पापा, परंतु आप थोड़ा जल्दी आ जाना। हाँ बेटा, मैं यूं गया और यूं आया। तब कबूतर भी ऐसा कहकर अपने घर से निकल जाता है और उसके जाते ही उसके घर के साथ भी यही सब कुछ होता है। उसके घर की छत अचानक से टूटती है और उसमें से एक रस्सी निकलकर छोटे कबूतर के गले में बंध जाती है और वह रस्सी उसे बाहर की तरफ निकालने लगती है। आजा बेटा आजा, अब तेरी ही बारी है, जल्दी से बाहर आ जा। ऐसे वह खतरनाक चील उस कबूतर के बच्चे को भी पकड़ लेती है। वहीं कालो कौवे की छोटी सी बेटी बाहर खेल रही थी कि तभी कुछ देर में वह चील उसके पास भी पहुंच जाती है। अरे यहाँ क्यों खेल रही हो, आओ मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह लेके चलूं। और ऐसा कहकर वे चील उस पर एक बड़ा सा डब्बा डाल देती है और उसे लेकर भी वहाँ से चली जाती है। सभी पक्षी जब अपने अपने काम करके कुछ समय में अपने घर लौटे तो अपने बच्चों को घर में ना देखकर काफी परेशान हो गए। अरे मानो कहाँ गया, मानो को मैंने कहा था घर में रहना, फिर भी ये दुष्ट बाहर निकल गया, अब मुझे इसे बाहर जाके ढूंढना होगा। अरे जाओ जल्दी से जाकर बाहर देखो, तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं मिली है और तुम घर में ऐसे बैठे हुए हो, जल्दी जाओ। अरे इसने तो मुझे कहा था कि पापा मैं घर में ही रहूंगा, अब ये बाहर क्यों निकल गया, अब मुझे इसे फिर से बाहर जाके ढूंढना होगा। सभी पक्षी अपने बच्चों को हर हर जगह तलाश करते हैं। वे जंगल के हर हर कोने में अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं, परंतु उनके बच्चे उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। तब वे बेचारे थक हार कर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। ना जाने मेरे मानो को कौन उठा के ले गया, मेरा इतना सा छोटा सा बच्चा, ना जाने उसे कुछ खाया होगा या नहीं। मेरे मानो कहाँ हो तुम, अरे तुम्हें कहा बेटा ना कि इतनी छोटी बच्ची को बाहर खेलने मत भेजो, देखो अब अनहोनी हो गई ना। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची को कैसे भी तुम ढूंढ के लाओ, वरना तुम भी इस घर से निकल जाओ। अरे कहाँ है बेटा, वापस आ जा, तेरी बहुत याद आ रही है। यहाँ उन बच्चों के माता पिता उन्हें याद कर कर रो रहे थे और वहीं उस चील ने उन सब बच्चों को एक गुफा में रखा हुआ था और वे उन्हें मारने की तैयारी कर रही थी। चलो बच्चों, तुम सबकी मृत्यु का वक्त आ चुका है,
बस में जरा ये स्वादिष्ट मास्त खा लूं, उसके बाद तुम सबको मार डालूंगी। फिर वे चील वहाँ रखा हुआ वे मास्त खाती है और फिर एक एक कर उन बिचारे और मासूम पक्षियों के बच्चों को जान से मार डालती है। हाँ, मेरा काम तो हो गया। अब इन बच्चों की लाशों को इन उपहारों की तरह उन सब के घरों के बाहर छोड़कर आ जाऊंगी। उन्हें इतना अच्छा तोहफा पहले किसी ने नहीं दिया होगा। मेरा बदला पूरा हो गया। फिर रात के समय में ही वे चील सभी के घर में एक एक उपहार रखकर आ जाती है। फिर सुबह के समय जब उन सब पक्षियों को पता लगता है कि उनके घर के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है, तो वे उसे उठाकर अपने घर में ले आते हैं और उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं। अरे, ये इतनी सुबह सुबह उपहार किसने भेज दिया? चलो इसे खोलकर देखती हूँ। फिर जैसे ही मीनू चिड़िया उस उपहार को खोलती है, उसे देखकर वे पूरी कांप जाती है। ये क्या है? अरे, ये मेरे मानो चिड़े का ये हाल किसने कर दिया? किस दुष्ट ने उसके साथ इतना जुल्म किया है, उसकी हत्या कर दी? मेरे बच्चे की ये हालत करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आया मेरी बच्ची पर। अरे, इतना छोटा बच्चा था, इसे मारने से पहले एक बार तो सोचा होता। तभी सब पक्षियों को उस डिब्बे में से एक एक चिट्ठी मिलती है और वे तीनों ही उसे पढ़ने लगते हैं। मैं एक खूनखार चील हूँ, यह सब मेरा बदला था। तुम्हारे बच्चों को मारकर मुझे बहुत खुशी मिली है। मुझसे मिलना चाहते हो तो पुरानी गुफा के पास आकर मुझसे मिलो। फिर क्या था, ये चिट्ठी पढ़कर सभी पक्षियों को बहुत गुस्सा आता है और वे उस चील को मारने के लिए पुरानी गुफा की तरफ निकलते हैं। कुछ ही समय में वे तीनों पुरानी गुफा में पहुंच जाते हैं और अपने सामने उस खूनखार चील को देखते हैं। चील, तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आया हमारे इतने मासूम मासूम बच्चों को तुमने मार डाला? हाँ चील, तुम्हें हमारे बच्चों पर तरस नहीं आया ना? अब हम भी तुम पर तरस नहीं खाएंगे और तुम्हें वैसे ही मौत देंगे जैसे तुमने हमारे बच्चों को दी है। अरे, इतनी बातें क्या कर रहे हो, चला डालो इसको। अरे, तुम सब मिलकर भी मुझे क्या ही मारोगे? मैंने तो अपनी मृत्यु लिखने के बाद ही ये फैसला किया था कि मैं अपना बदला तुम सभी से लूंगी। याद करो वो वक्त जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी और तुम सब जंगलवासियों ने मेरे पिता को मेरे सामने जला दिया था सिर्फ इतनी सी बात पर कि वे एक छोटी सी गलती कर बैठे थे। बस इसी कारण मैंने अपना बदला ले लिया। मैंने इन बच्चों को मारने से पहले खुद जहरीला मांस खाया है ताकि मैं भी आहिस्ता आहिस्ता मर जाऊं। चील, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है, बदले की संभावना रखना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तुमने देखो आज अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली और हमारे मासूम बच्चों को भी, परंतु फायदा किसी को भी नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ फायदा। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि बदला लेकर या किसी को नुकसान पहुंचाकर हम कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक जंगल में बहुत ही खुशहाली थी क्योंकि इस जंगल में भोजन की कोई कमी ना थी। सब पक्षी ही अपने जंगल में आराम से भोजन ढूंढ लेते थे। तोते, हम सब पक्षी बहुत खुश नसीब हैं जो हम इस जंगल में रहते हैं। ये जंगल बहुत अच्छा है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो। हमारा जंगल वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हमारे जंगल में भोजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। चलो तोते, अब हमें अपने अपने घोंसले में चलना चाहिए। रात काफी हो गई है, अब ये भोजन हम अपने घोंसले में ले जाकर रख देते हैं ताकि ये भोजन हम सुबह आराम से खा सकें।
फिर मीनू चिड़िया और तोता अपने अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया जब उठती है तो वे देखती है कि इसका सारा भोजन ही उसके घोंसले से कहीं गायब हो गया है। मानो चिड़े, कल जो रात को मैं भोजन लेकर आई थी, क्या वे तुमने खा लिया है? नहीं मम्मा, मैं तो खुद भोजन ढूंढ रहा हूँ। आपने कहाँ रख दिया है? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाय रे, अगर वे भोजन तुमने नहीं खाया है तो वे कहाँ जा सकता है? मतलब मेरा भोजन कल रात किसी पक्षी ने चोरी कर लिया है। अभी मैं सारे पक्षियों को ये बात बताती हूँ। ये कहकर वे मीनू चिड़िया पक्षियों के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया पक्षियों के पास जा रही होती है कि वे देखती है कि सामने एक पेड़ पर काफी सारे पक्षी बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मीनू चिड़िया फौरन उन पक्षियों के पास जाती है। अरे पक्षियों, क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? आखिर क्या बात हुई है? अरे मीनू चिड़िया, हमारे जंगल में कोई नया चोर आ गया है जिसने कल रात को हमारे घोंसले से सारा भोजन चोरी कर लिया है। क्या तुम सब पक्षियों के भी भोजन चोरी हो गए हैं? ये चोर तो बहुत ज्यादा ही चालाक लगता है। इसने एक रात में ही सभी पक्षियों के घोंसले से सारा ही भोजन चोरी कर लिया है। मीनू चिड़िया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी एक चोर का काम नहीं, बल्कि ढेर सारे चोरों ने मिलकर हम सभी पक्षियों के घोंसले से सारा भोजन चुरा लिया होगा। कालू कौवे, तुम तो चुप ही रहो। मीनू चिड़िया, मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह कालू कौवा पहले हमारे भोजन चुराता था, अब भी हम सबके भोजन इसी तरह कालू कौवे ने चुराए होंगे। हाँ बोलो कालू कौवे, तुमने हम सब पक्षियों का भोजन चोरी करके कहाँ रखा है? अरे अरे पक्षियों, तुम सबके मुंह में जो आ रहा है वे बोलते जा रहे हो। मैं मानता हूँ कि मैं पहले चोरियां करता था, लेकिन मैं अब सुधर गया हूँ। मैंने भी कल रात को बहुत मेहनत करके भोजन जमा किया था और मेरा भी सारा भोजन ही किसी चोर ने चोरी कर लिया है। चोर के घर पे चोरी, ये तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं। हाँ भाई पक्षियों, कालू कौवा ठीक कह रहा है। और तो और कालू कौवे का तो खुद ही भोजन चोरी हो गया है, तो भला चोर कैसे हो सकता है वो? अच्छा अच्छा, छोड़ो इस बात को। अब सब मिलकर भोजन ढूंढते हैं और अपनी अपनी भूख मिटाते हैं। रात को फिर से सभी पक्षी अपना अपना भोजन अपने अपने घोंसलों में रखकर सो जाते हैं, ताकि वे भोजन सुबह उठकर आराम से खा सकें। अगली सुबह हो जाती है, जब सारे पक्षी उठते हैं तो वे देखते हैं कि उनका सारा भोजन आज फिर से चोरी हो गया है। हाय रे कालू जी, अब हम क्या खाएंगे? इतनी मेहनत से हम सब पक्षी अपना अपना भोजन ढूंढते हैं और कोई चोर हमारा सारा भोजन चोरी कर लेता है। परंतु पक्षियों, अब हम क्या कर सकते हैं? हमें तो अभी बहुत भूख लग रही है। भोजन ढूंढने में तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। हमारे जंगल में एक भोजन की बड़ी सी दुकान खुली है जिसे पड़ोस के जंगल के महाराज ने खुलवाई है। चलो हम सब वहीं से ही जाकर अपना अपना भोजन खरीद लेते हैं। बस फिर सभी पक्षी उस नई दुकान के पास भोजन खरीदने के लिए आ जाते हैं और एक एक पक्षी भोजन खरीद कर अपने अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया, अभी तो हम सब पक्षियों ने भोजन खरीद कर खा लिया है, लेकिन अब रोजाना तो हम भोजन खरीद कर नहीं खा सकते हैं। हमें रोजाना तो भोजन जमा ही करना होगा। हाँ कालू कौवे, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। हम सब पक्षी जाकर अपने अपने लिए भोजन जमा करते हैं और वे सारा भोजन हम रात को एक घोंसले में रखकर ऊपर से पत्ते बिछा देंगे, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि भोजन कहाँ पर है। और इस तरह हम सब पक्षियों का भोजन भी चोरी नहीं होगा और हम कल सुबह
आराम से अपना जमा किया हुआ भोजन खा सकेंगे। और फिर सभी पक्षी अपना अपना भोजन जमा करने के लिए चले जाते हैं। फिर रात हो जाती है। मीनू चिड़िया एक नया घोंसला बनाकर उस घोंसले में सभी पक्षियों का भोजन रख देती है और ऊपर से वे पत्ते बिछा देती है, जिसे पता नहीं लग रहा था कि भोजन यहाँ पर है या फिर नहीं। पक्षियों, मुझे तो उस चोर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस चोर की वजह से हम सब पक्षियों को अपना भोजन यहाँ पर छुपाना पड़ रहा है। मीनू चिड़िया की ये बात सुनकर अचानक कबूतर कहता है, अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, छोड़ो ना इस चोर को, हम इसे नहीं पकड़ सकते हैं। और इस चोर की वजह से हम अपनी नींद क्यों खराब करें। चलो चलो, हम सब पक्षी जाकर सो जाते हैं, वैसे भी रात काफी हो गई है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सोने के लिए चले जाते हैं, परंतु मीनू चिड़िया भोजन के पास वाले पेड़ पर आकर छुप जाती है और उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। आज तो इस चोर को पकड़ कर रहूंगी, देखती हूँ कि चोर आखिर कौन है। कुछ देर के बाद भोजन वाले पेड़ पर कबूतर आता है और पत्ते हटाकर सारा भोजन घोंसले से बाहर निकाल लेता है। हाय रे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना, ये चोर तो कबूतर है। चलो मैं इस कबूतर का पीछा करती हूँ, देखती हूँ कि ये सारा भोजन कहाँ पर लेकर जाता है। कबूतर सारा भोजन एक बड़ी सी पोटली में डालकर वहाँ से ले जाता है। मीनू चिड़िया भी कबूतर का पीछा करती हुई उसके पीछे जा रही होती है। कबूतर वे सारा भोजन लेकर पड़ोस के जंगल के महाराज के पास आ जाता है। मीनू चिड़िया भी छुपके से ये सारा माजरा देख रही होती है। वाह कबूतर, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम रोजाना इतना सारा भोजन चोरी कर कर लाते हो, मेरा तो दिल खुश कर दिया है तुमने। अरे उल्लू महाराज, सब पक्षी तो बहुत मासूम हैं, परंतु वे मीनू चिड़िया बहुत ही चलाक है। और आज तो वे चोर को ढूंढने की बातें कर रही थी और बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी। वो तो जैसे कैसे मैंने उस मीनू चिड़िया को शांत किया, वो मैं ही जानता हूँ। अरे कबूतर, तुम इन सब पक्षियों के बीच में रहते हो, किसी भी पक्षी को कभी भी तुम पर शक नहीं जाएगा। बस तुम इसमें से आधा भोजन जो मैंने तुम्हारे जंगल में एक नई दुकान खुलवाई है वहाँ पर ले जाकर दे दो। अब हम उन सब पक्षियों को उन्हीं का चोरी किया हुआ भोजन बेचकर उन्हीं से मुनाफा कमाएंगे और खूब ज्यादा ऐश करेंगे। अब मैं इस शातिर कबूतर और उल्लू महाराज को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेंगे। अगली सुबह जब सारे पक्षी अपना अपना भोजन लेने के लिए उस पेड़ पर आते हैं तो वे देखते हैं सारा भोजन तो चोरी हो चुका है। अरे मीनू चिड़िया, कल रात तो हमने यहाँ पर अपना सारा भोजन छुपा दिया था, तो फिर हमारा भोजन चोरी कैसे हो गया। वहाँ पर कबूतर भी मौजूद होता है और वे सभी पक्षियों की बातें सुन रहा होता है। कालू कौवे, कल रात को बहुत तेज हवाएं चल रही थी, शायद सारा भोजन हवा में इधर उधर कहीं उड़ गया होगा, वरना तो हमने यहाँ भोजन छुपाया था। ये बात तो सिर्फ हमें पता थी और उस चोर को नहीं, तो फिर वे चोर यहाँ से सारा भोजन कैसे चुरा सकता है। मीनू चिड़िया की बात सुनकर कबूतर इत्मीनान होकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर के वहाँ से जाते ही मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को कबूतर का कारनामा बताने लगती है कि कबूतर ने ही कल रात को सारा भोजन चोरी किया है। मीनू चिड़िया, मैं तो कबूतर भाई को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन कबूतर भाई हम सब पक्षियों का ही भोजन चोरी कर रहे हैं। बड़ा आया वे चोर कबूतर, मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं सब पक्षियों का भोजन चोरी कर रहा हूँ, लेकिन देखो तो वे कबूतर ही
हम सब पक्षियों का भोजन चोरी कर रहा है। मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को अपना उपाय बताती है कि कैसे सभी पक्षियों ने उस कबूतर को सबक सिखाना है। रात होने पर सारे पक्षी अपने भोजन के साथ वाले पेड़ में छुपे कबूतर का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ही देर के बाद जब कबूतर पेड़ पर भोजन चोरी करने के लिए आता है और वे जैसे ही पत्ते हटाने के लिए जा रहा होता है तो एक बड़ा सा जाला कर कबूतर पर गिर जाता है और वे कबूतर उस जाल में कैद हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, ये जाल कहाँ से आ गया, मैं इस जाल में कैसे कैद हो गया। कबूतर के इतना कहते ही सारे पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वे कबूतर को गुस्से से देखने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, आज तो मर ही गया मैं। कबूतर, आज हमने तुम्हें पकड़ लिया है कि तुम ही असल चोर हो। भला कोई दूसरे जंगल के लिए अपने जंगल के पक्षियों को धोखा कैसे दे सकता है। हाँ कबूतर, तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मैं तो तुम्हें अपना पक्का दोस्त मानता था और तुम मेरा ही भोजन चोरी कर रहे थे। कबूतर, हम तुम्हें 10 साल के लिए कालाबाज में बंद करवा देंगे, परंतु अभी हमें उल्लू महाराज को भी सबक सिखाना है। सारे पक्षी कबूतर को लेकर उल्लू महाराज के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं। अरे पक्षियों, तुम इस मासूम कबूतर को पकड़कर मेरे पास क्यों लाए हो? इस बेचारे कबूतर ने तुम सबका क्या बिगाड़ा है। उल्लू महाराज, इतने भी भोले मत बनो, हमें तुम्हारी और इस कबूतर की असलियत पता चल गई है। तुम हमारे जंगल का चुराया हुआ भोजन हमें ही बेच रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम महाराज होकर ऐसा काम करते हो। अगर ये बात तुम्हारे जंगल के पक्षियों को पता चल गई, तो सभी पक्षी मिलकर तुम्हें महाराज से हटा देंगे। अब तुम सब पक्षियों को पता चल गया है तो हाँ, मैं ही कबूतर से कहकर तुम सब पक्षियों का भोजन चोरी करवाता था, लेकिन तुम सब पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अच्छा उल्लू महाराज, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सब पक्षी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो रुको जरा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तोते, तुम जाओ और जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बुला कर ले आओ। मीनू चिड़िया की बात मानकर तोता फौरन पक्षियों को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद तोता उल्लू महाराज के जंगल के पक्षियों को बुलाकर ले आता है और मीनू चिड़िया उल्लू महाराज की असलियत उनके जंगल के पक्षियों को बताने लगती है। पक्षियों, मैं तो तुम सबसे यही कहती हूँ कि तुम सब पक्षी मिलकर इस उल्लू महाराज को महाराजपन से हटा दो और इसे अपने जंगल से भी निकाल दो। हम तो तुम्हें महाराज समझते थे और तुम महाराज होकर दूसरे जंगल का भोजन चोरी करवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। पक्षियों, अभी इस उल्लू महाराज को मारकर हम अपने जंगल से निकाल देते हैं और एक नया महाराज अपने जंगल का बना देते हैं। उल्लू महाराज को तो सजा मिल गई है। कबूतर, अब तुम्हारी बारी, अब हम सब पक्षी मिलकर तुम्हें सजा देंगे। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मेरी तो मजबूरी थी, जबी मैं भोजन चोरी कर उल्लू महाराज को लाकर दे रहा था। हमारा भोजन चोरी करके तुम्हें उल्लू महाराज को लाकर देने में क्या मजबूरी हो सकती है, बताओ मुझे। मीनू चिड़िया, इस उल्लू महाराज ने मेरे एक बच्चे को अपनी कैद में रखा हुआ है और इसने मुझे कहा था अगर मैं अपने जंगल से भोजन चोरी करके इस उल्लू महाराज को लाकर नहीं दूंगा तो ये मेरे बच्चे को मार डालेगा। बस इसी मजबूरी की वजह से मुझे तुम सब पक्षियों का भोजन चोरी करके इस उल्लू महाराज को लाकर देना पड़ा। कबूतर की ये बात सुनकर सभी पक्षी कबूतर को माफ कर देते हैं, क्योंकि कबूतर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पक्षियों का भोजन चोरी कर रहा था। फिर जंगल के सभी पक्षी उल्लू महाराज को अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं और मीनू चिड़िया और सभी पक्षी अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। कबूतर भी अपने बच्चे को
उल्लू महाराज की कैसे आजाद करवा के अपने जंगल ले जाता है। इस तरह उल्लू महाराज को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत काम का हमेशा गलत ही अंजाम होता है, इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे ही काम करो ताकि हमेशा अच्छा ही फल मिले।